तो अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बाद जो बचे हुए नगर हैं उनके बारे में देखिए। इसमें आपने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो आपका हो गया था, इसके अलावा लोथल हो गया है, चनूदड़ो हो गया है, उसके आगे के नगर देखिए, फिर अन्य जो नगर हैं और उनकी विशेषताएँ हैं। अगला नगर देखिए, धोलावीरा की बात करते हैं। तो धोलावीरा जो है ये कच्छ गुजरात में है। कहाँ पे है? कच्छ है, गुजरात में। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात भारत का वो राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, भारत की पश्चिमी तटरेखा वाला राज्य है। और यहाँ पे वर्तमान में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कांडला है। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो धोलावीरा दो नदियों के मध्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मानहर और मासर। कौन कौन सी नदियां हैं? मानहर और मासर। अब धोलावीरा इस तरीके से तीन भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में डिवाइडेड है? तीन भागों में डिवाइडेड है। और इसके दोनों साइड में दो नदियां जा रही हैं। एक नदी का नाम है से मासर नदी और एक साइड में मानहर नदी। कौन सी? मानहर। तो ये दो नदियों के मध्य का स्थल है। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उस स्थल का नाम बताइए जो दो नदियों के मध्य है, तो दो नदियों के मध्य वाला स्थान कौन सा आएगा? धोलावीरा आएगा। कहाँ पे? ये कच्छ गुजरात में। कौन कौन सी नदियां हैं? मासर और मानहर। कौन सी? मासर और मानहर। खोज हुई थी 1967 और 68 में, उत्खनन हुआ था 1990-91 में। कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। अब आपने पढ़ा था कि महाविद्यालय भवन, क्या पढ़ा था? महाविद्यालय भवन। बताओ महाविद्यालय भवन कहाँ मिला? महाविद्यालय भवन मिला मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। क्या मिला था? महाविद्यालय भवन का मतलब हो गया कॉलेज। क्या? कॉलेज। कॉलेज कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब पूछेगा आपसे कि स्टेडियम कहाँ मिला? स्टेडियम, तो स्टेडियम कहाँ मिला है? धोलावीरा में। स्टेडियम कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है। खोज कब हुई? 1967-68 में, उत्खनन 1990-91 में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? धोलावीरा के बारे में। अब देखो धोलावीरा के बारे में अगली विशेषता। अब आपने देखा है कि एक शब्द आता है जल निकासी की व्यवस्था, एक शब्द आता है जल प्रबंधन। क्या आता है? जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब होता है कि जल जो होता है उसको संरक्षण करके रखना, बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखना जल प्रबंधन कहलाता है। तो धोलावीरा की सबसे मेन विशेषता ये है, यहाँ पे जल कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? जल कुंड। पीने का जो पानी है, पानी को काम में लेने के लिए स्टोर किया जाता था। पत्थर मिला है जिसपे चमकीली पॉलिश की गई है। क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा ऐसा नगर है जिसपे पत्थर पे चमकीली पॉलिश मिली है, तो वो नगर कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। तो धोलावीरा में एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पे क्या की गई है? पॉलिश की गई है। और जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी है। अब जैसे आपसे बात करें जल निकासी, क्या पढ़ें? जल निकासी की व्यवस्था करें, तो जल निकासी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर की विशेषता है। बाद में लिखाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर की विशेषता है जल निकासी व्यवस्था क्या होती थी? अच्छी होती थी। अब जल निकासी को लेकर के दो बातें आती हैं कि नालियां जो हैं, क्या हैं? नालियां, ये पत्थर या ईंटों से ढकी हुई हैं। नालियां पत्थर या ईंटों से ढकी हुई हैं। अब आप आगे एक नगर पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सा नगर पढ़ेंगे? कालीबंगा, जिसमें जो नालियां हैं वो लकड़ी की बनी हैं। किसकी बनी है? लकड़ी की नालियां बनी हैं। तो लकड़ी की नालियां ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नालियां नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं मानी गई। कहाँ पे? कालीबंगा में जल निकासी की व्यवस्था। क्वेश्चन आए, निम्न में से कौन सा ऐसा नगर है जिसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वो कालीबंगा है। और जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था है वो कौन सा है? धोलावीरा है। तीन भागों में विभाजित नगर। अब ये तीन भागों में डिवाइडेड है। आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित है, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है। इसमें शाही वर्ग, शासक वर्ग निवास करता है।
इसमें आमजन निवास करती है। लेकिन धोलावीरा जो है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? तीन भागों में डिवाइडेड है। वो स्टेडियम इसकी विशेषता है। क्या? स्टेडियम। निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें स्टेडियम मिला? धोलावीरा मिला। कॉलेज महाविद्यालय कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। ये बात हमने कर ली। उन्नत जल प्रबंधन मतलब जल को स्टोर करने की अच्छी प्रक्रिया विकसित हुई है कहाँ पे? धोलावीरा में। तो हम पढ़ रहे हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र का धोलावीरा की विशेषताएं। इसके अलावा यहाँ पे एक सूचना बोर्ड मिला है। क्या मिला है? सूचना बोर्ड, नोटिस बोर्ड जिसको बोलते हैं, नोटिस बोर्ड मिला है यहाँ पे। कहाँ पे? धोलावीरा में। एक यहाँ 10 अक्षर की नेम प्लेट मिली है। तो नोटिस बोर्ड, 10 अक्षर की नेम प्लेट, सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ मिला है? धोलावीरा में। अब आपने यहाँ एक बात पढ़ी थी कि अभिलेख युक्त मोरे। क्या? अभिलेख युक्त मोरे। अभिलेख युक्त मोरे कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी। कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। और सबसे अधिक मोरे कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति, नेवला जो जानवर होता है उसकी पत्थर से बनी हुई क्या मिली है? मूर्ति मिली है। कहाँ से? धोलावीरा से। क्या पढ़ रहे हैं? धोलावीरा। तो धोलावीरा के बारे में देखें कि यहाँ पे जलकुंड मिला है, पत्थर की चमकीली, पत्थर पर की गई चमकीली पोली से तीन भागों में विभाजित नगर है, स्टेडियम है, अच्छा जल प्रबंधन की व्यवस्था यहाँ पे है। इसके बाद में सूचना बोर्ड मिला है, 10 अक्षर की नेम प्लेट, सबसे बड़ा अभिलेख और पत्थर से बनी नेवले की प्रतिमा। तो ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। अब देखो इसके बाद में पढ़ते हैं रोपड़ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रोपड़। तो रोपड़ में आप ध्यान रखना कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। किसके किनारे है? अब सतलज, जैसे आप भारत के मैप में देखोगे तो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनमें, सिंधु की सहायक नदियों में सतलज एक है, मात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो तिब्बत से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। सिंधु का उद्गम भी कहाँ से होता है? तिब्बत से। अब ये भारत में से ऐसे बहती है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ पे है? तिब्बत में है। वो कौन सी है? सतलज। ऋग्वेद में इसका नाम क्या मिला? सतुद्री मिला है। अब सतलज भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? सिपकिल्ला दर्रे से। तो रोपड़ जो है ये आजादी के बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में खोजा गया पहला स्थल है रोपड़। आजादी के बाद में खोजा गया भारत का प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़ है, जो 1950 में खोजा गया था बीबी लाल के द्वारा। तो ये बात आपने देख लिया, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा हो गया? रोपड़। अब यहाँ पे एक मेन विशेषता है कि मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ रोपड़ में जो डेड बॉडीज निकली हैं उनके साथ में कुत्ते का मृत शरीर भी निकला है। तो अनुमान लगाया गया कि मानव के साथ में किसको दफनाया गया है? कुत्ते को दफनाया गया है। इसके बाद में बात करेंगे बनवाले के। तो बनवाली एक ऐसा स्थल है जो हरियाणा में मिला है, हिसार जिले में पड़ता है, और बनवाली समर्थों का नगर कहलाता है। क्या कहलाता है? समर्थों का नगर। बनवाली को क्या कहा गया है? समर्थों का नगर कहा गया है। अब आपने एक बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके नगर जो हैं वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? ग्रिड प्रणाली किसे कहते हैं? सड़कें जहाँ पे 90 डिग्री को पे काट रही हैं आपस में, वो प्रणाली क्या कहलाती हैं? ग्रिड प्रणालियाँ, जाल प्रणाली। लेकिन बनवाली में सड़कें आड़ी टेढ़ी तिरछी आकर के आपस में मिल रही हैं। यहाँ पे सड़कें 90 डिग्री पे आपस में नहीं काट रही। कहाँ पे? बनवाले में। जैसा आपने पहले पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं। कहाँ नहीं खुलते हैं? वो मोहल्ले की गलियों में खुलते हैं। कौन से? प्रत्येक नगर में। लेकिन एकमात्र ऐसा नगर पड़ा आपने लोथल जिसमें घरों के दरवाजे किधर खुल रहे हैं? मुख्य सड़कों की ओर खुल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे किधर खुल रहे हैं? मुख्य सड़कों की ओर खुल रहे हैं, लोथल में ओनली। बाकी किसी कोई भी ऐसा नगर नहीं है जिसमें घरों के दरवाजे किधर खुलते हो? मुख्य सड़कों की ओर खुलते हो।
ऐसे ही प्रत्येक नगर जो है वो ग्रिड प्रणाली या जाल नुमा प्रणाली पर आधारित है। किस पे आधारित है? ग्रिड प्रणाली या जाल नुमा प्रणाली पर आधारित है। लेकिन बनवाली में सड़कें आड़ी टेढ़ी तिरछी मिलती हैं और यहाँ की जो सड़कें हैं उन पर पहिए के चिन्ह भी मिले हैं। सड़कें जो हैं उन पे पहियों के चिन्ह भी मिले हैं बनवाले में। तो 1973-74 में बनवाले की खोज की गई थी किसके द्वारा? आरएस वेस्ट के द्वारा। अब आपने एक बात पढ़ी थी, जैसे हल की बात आ रही है, मिट्टी का हल कल पढ़ा था आपने, बताइए मिट्टी की बैलगाड़ी मिट्टी की कहाँ से मिली? मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी कहाँ मिली थी? और एक पूछा गया था आपसे कि लकड़ी का हल, लकड़ी का हल या हल के साक्ष से, हल के साक्ष से बताओ आप। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी चनहुदड़ो से मिली थी। मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी कहाँ मिली थी? चनहुदड़ो नगर में। कौन से नगर में? चनहुदड़ो नगर में मिली है। क्या? मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी। और लकड़ी का हल पूछे या वास्तविक हल के साक्ष से पूछे तो बताओगे कालीबंगा। कौन सा नगर है? कालीबंगा जो है इसमें वास्तविक हल के साक्ष से मिले हैं। लेकिन बनवाली में मिट्टी का हल मिला है। बनवाली में क्या मिला है? तो तीन बातें या चार बातें लिख करके और चार नगरों के नाम पूछ लेता है और उनको सुमेलित करना पूछेगा। तो मिट्टी का हल, लकड़ी का हल चनुदड़ो, हल के साक्ष से मिट्टी की बैलगाड़ी चनुदड़ो और लकड़ी का हल कालीबंगा और हल के साक्ष से भी कालीबंगा। अब एक आता है दानवन पत्थर। कोई बताएगा आप में से दानवन पत्थर? ये होता है वास बेस, जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं ना, वास बेस जो होता है वो। तो ये एक समर्दों का शहर है और यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा है, बर्तन धोने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक तरह से व्यवस्था अच्छी की गई है नगरों में, ऐसा यहाँ पे मिला है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बनवाली पढ़ रहे हैं। बनवाली कहाँ पड़ता है? हिसार हरियाणा में। 1973-74 में खोज हुई थी आरएस वेस्ट के द्वारा और मिट्टी का हल मिला है यहाँ से, दानवन पत्थर मिला है। इसके बाद में अगली विशेषता देखिए, सड़क पर गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। सड़क पे गाड़ी के पहिए के क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। और समरदुंगा क्या कहा गया? शहर का आ गया। अच्छे किस्म के जो मिले हैं, जो एक क्या है? फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। जल निकासी प्रणाली का भी यहाँ भी क्या मिला है? अभाव। तो सबसे ज़्यादा जल निकासी प्रणाली का अभाव कहाँ मिला? कालीबंगा में, क्योंकि वहाँ पे क्या है? लकड़ी की बनी हुई नालियाँ हैं और यहाँ भी थोड़ा सा अभाव मिला है। अगली आपने देखा कि ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर नहीं है। कौन सा? बनवाली। वो विशेषता देख लीजिए, सड़कें न सीधी न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सीधी भी नहीं है और एक दूसरे को समकोण पर काटती भी नहीं है। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई हैं? कालीबंगा की, सॉरी बनवाली के बारे में हो गई। अब देखो कालीबंगा को लेकर के, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। दूसरी बात पूछेगा नदी की, कि वर्तमान में किस नदी किनारे हैं? तो गगर नदी किनारे हैं। पहले किस नदी किनारे था? सरस्वती। अब पहले सरस्वती के किनारे था ये, सरस्वती विलुप्त हो गई है। आप पढ़ेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र, एक नाम आता है सप्त सैंधव क्षेत्र। इसका मतलब है कि एक तो सिंधु नदी है और सिंधु के साथ में छह अन्य नदियां हैं। छह अन्य नदियों में पांच तो वो है जो वर्तमान में बह रही हैं, जिनको पंचनद बोला गया है, पंचनद। अब पंचनद में जो शामिल हैं उनमें जेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज है इसमें, सतलज। अब यहाँ पे पांच और एक छह हो गई, हमने बात की सप्त सैंधव के, तो सरस्वती और मिला दें इसमें। कौन सी मिला दें?
सरस्वती, तो ये सप्त सैंधव बन जाएगा। क्वेश्चन आए कि सप्त सैंधव के कौन सी नदी वर्तमान में विलुप्त हो गई, तो सरस्वती। उसके स्थान पे कौन सी बहती हैं, गगर बहती हैं, जिसके किनारे क्या बसा है, काली बंगा बसा है। अब काली बंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है ये। खोज करता है अमलानेंदु घोष, खोज किसने की, अमलानेंदु घोष ने 1952 में, उत्खनन 1961 और 62 में, बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में। दोबारा देखिए, कालीबंगा किस नदी किनारे है, गगर के किनारे, पहले किसके किनारे विकसित हुई, तो क्या बताओगे, सरस्वती किनारे। खोजकर्ता कौन है, अमलानेंदु घोष। खोज कब हुई थी, उत्खनन 1961 में, किसके नेतृत्व में, बीबी लाल और बीके थापर। यहाँ पे ऊंट की हड्डियां मिली हैं, ये बात ध्यान रखने हैं, कालीबंगा में क्या मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा में ऊंट के साक्ष्य, एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। और एक तरह से ऐसे खेत जिसमें हल की लकीरें, हल की खींची हुई क्या मिली हैं, लकीरें मिली हैं, कहाँ से, कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जिसको क्या बोलेंगे, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल, मतलब वास्तविक हल के साक्ष्य, वास्तविक हल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, वास्तविक हल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चना व सरसों की फसल, मतलब एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य, एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल मिला है, एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य, अलंकृत ईंट मिली है, ऐसी ईंटें जिनको क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है। अब आपने देखा लकड़ी की नाली, तो लकड़ी की नाली का मतलब हो गया कि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं, क्या नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, कहाँ की, कालीबंगा की। बेलनाकार मोरे, अब बेलनाकार मोरे जो है वो तो मिली है कालीबंगा में, कहाँ मिली है, कालीबंगा में। और यही क्वेश्चन एक ऐसे आता है कि फारस की मोरे कहाँ मिली, फारस की मोरे, तो बताओगे फारस की जो मोरे मिली हैं वो लोथल से मिली हैं। फारस की मोरे कहाँ से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। फारस की मोरे कहाँ मिली, लोथल से मिली हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा राजस्थान के वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, गगर नदी के किनारे, पहले सरस्वती नदी के किनारे था, लकड़ी का हल मिला है, चना व सरसों की फसल, अलंकृत ईंट, लकड़ी की नालियां, बेलनाकार मोहरे यहाँ से मिली हैं कालीबंगा में। अब देखो यहाँ के जो भवन हैं, जो दीवारें मिली हैं भवनों के, उनमें दरार मिली है, क्या मिली है, जिसका आकलन निकाला गया कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जिसमें भूकंप आया हुआ, भूकंप के साक्ष्य मिले, वो कौन सा हो गया, कालीबंगा हो गया। भूकंप को लेकर के दो बातें और भी ध्यान रखनी है, भूकंप मापक यंत्र का नाम बताइए, यंत्र सीस्मोग्राफ, यंत्र क्या है, सीस्मोग्राफ है। इसकी इकाई पूछ ले, भूकंप मापने की इकाई बताइए, इकाई क्या है, रिएक्टर स्केल, इकाई क्या है, यंत्र क्या है, सीस्मोग्राफ, भूकंप मापक यंत्र है, सीस्मोग्राफ। भूकंपों का देश है जापान, भूकंपों का देश है जापान। और सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी किस महासागर के तटों पर आते हैं, प्रशांत महासागर के तटों पर आते हैं, जिसे अग्निविलय कहते हैं। तंदूरी चूल्हा, तंदूरी चूल्हा तो आप जानते ही हैं, वो चूल्हा जिसमें बिना तवे के रोटी सेकी जाती है डायरेक्ट आग से, वो चूल्हा क्या कहलाता है, ये कहाँ मिला, कालीबंगा में। व्याघ्र का मुख मिला है, अलंकृत फर्श मिले हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार के फर्श मिले हैं कि मकान हैं वो तो कच्चे ईंटों के हैं, फर्श पक्का है, अलंकृत किया गया है, उसमें अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं फर्श में। तो अलंकृत फर्श जो है वो किसका उदाहरण है, कालीबंगा का उदाहरण है, कहाँ का उदाहरण है, कालीबंगा का उदाहरण है। सजावटी आंगन भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, सजावटी आंगन। अग्निकुंड वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा के लिए,
ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, जैसे यहाँ पे चबूतरा मिला एक चबूतरा, इस चबूतरे पर सात अग्नि कुंड मिले हैं, क्या मिले हैं, सात अग्नि कुंड मिले हैं। अब एक और चबूतरा मिला इसके पास में, अब इस चबूतरे पर एक अग्नि कुंड मिला है, टोटल अग्नि कुंड यहां मिले हैं आठ। क्वेश्चन आए कि काली बंगा में कुल कितने अग्नि कुंड मिले हैं, तो आठ अग्नि कुंड मिले हैं, एक चबूतरे पे कितने, सात, दूसरे पे एक। अब ऐसा पूछें कि अग्नि कुंड की जो विशेषता है वो किस किस नगर की है, तो काली बंगा के अलावा कौन सा ऐसा नगर है जहां पे अग्नि कुंड मिले हैं, तो वो है लोथल। क्या है, लोथल में भी अग्नि कुंड मिले हैं, कहां पे, लोथल में भी क्या मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं। तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से तंदूरी चूल्हा या व्यागर का मुख है, अलंकृत फर्श, सजावटी फर्श और अग्नि कुंड टोटल पूछ ले तो क्या बताओगे, आठ, एक चबूतरे पे सात और दूसरे पे एक, टोटल संख्या कितनी हो गई, आठ हो गई। तो ये बातें अपने कालीबंगा के बारे में आपने देखा। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी तो हम जानते हैं, उसमें छह छेद किए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शल्य क्रिया या क्या की जाती थी, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन करने की प्रक्रिया भी यहाँ पे होती थी, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा में। चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे, चूड़ियों का रंग पूछ ले तो कैसा है, काला, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। अब चूड़ियाँ मिली हैं मिट्टी की, तांबे की और कांस्य की, चूड़ियाँ किसकी मिली हैं, मिट्टी, तांबा और कांसा। कपास के साक्ष्य, दुनिया में सबसे पहले कपास के जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, पहली बात, कहाँ मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की बात की जाए तो कालीबंगा में। यूनानी नाम जो था इसका सिंडन था, क्या नाम था, सिंडन नाम था इसका यूनानी नाम कपास का। एक साथ दो फसल उगाने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपने कालीबंगा के बारे में देखा। इसके बाद में देखिए अगला नगर, अब जो मेन आपने नगर पढ़े हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, पूरी सभ्यता की विशेषताएं देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, नगर नियोजन, सभ्यता ज़्यादा कहाँ निवास करती है, नगरों में, बड़े बड़े नगर खुदाई में मिले हैं। अब नगर जो है वो कितने पार्ट में बटे हुए हैं, दो पार्ट में, एक पश्चिमी पार्ट और एक पूर्वी पार्ट, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। अब कालीबंगा की एक विशेषता ध्यान रखना जो बताया नहीं था, कालीबंगा के पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग दुर्गीकृत हैं, इसके चारों ओर अलग दीवारी है, इसके चारों ओर अलग दीवारी हैं। ये विशेषता कहाँ की है, प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था, एकमात्र नगर जो तीन भाग में विभाजित था वो धोलावीरा था। कालीबंगा के दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत हैं, लोथल में और दूसरा सुतकोटड़ा में आपने पढ़ा कि दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए हैं, दुर्गीकृत हैं। तो नगर नियोजन, नगर व्यवस्थित मिले हैं, ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, सड़कें 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं, और एकमात्र नगर जो तीन भागों में विभाजित है वो कौन सा है, धोलावीरा है, कौन सा है, धोलावीरा। अब बात करें जल निकासी की, जल निकासी की जो व्यवस्था है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ। नालियां पक्की बनी हुई हैं, पत्थर और ईंटों से ढकी हुई हैं, एकमात्र ऐसा नगर जहां पे लकड़ी की नालियां बनी हैं वो कौन सा हो गया, कालीबंगा, कौन सा हो गया, कालीबंगा। और जल निकासी की दूसरी जो घटिया विशेषता मिली है वो बनवाले की है। प्रथम नगरीय क्रांति, अब प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है, इससे पहले नगरों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और निकलेंगे, प्रथम नगरीय क्रांति तो कौन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है
कि द्वितीय नगर क्रांति, यही क्वेश्चन ऐसे आता है, तृतीय नगर क्रांति, तृतीय नगर क्रांति। तो द्वितीय नगर क्रांति की बात की जाए तो महाजनपद काल उत्तर आएगा। क्या आएगा? महाजनपद काल में बड़े बड़े नगर विकसित हुए हैं। प्रथम नगर क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीय क्रांति और तृतीय नगरीय क्रांति है मौर्य काल। तृतीय नगरीय क्रांति कौन सा काल है? मौर्य काल, ये ध्यान रखोगे। कांस्य युगीन सभ्यता है, इसमें कांसा धातु का प्रयोग किया जाता है। मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिला करके क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं, और कांस्य का सबसे ज्यादा इसमें उपयोग किया गया है। तो विशेषताओं में नगर नियोजन देख लिया, जल निकासी की व्यवस्था देख ली, अच्छी प्रणाली है, ईंटों से नालियां, पत्थरों से नालियां ढकी हुई हैं। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता है, द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल है, और तृतीय नगरीय क्रांति मौर्य काल है। अगली नेक्स्ट विशेषता देखिए, ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली आपको बार बार बता दिया गया कि जाल नुमा पद्धति है, 90 डिग्री पे सड़कें नालियां एक दूसरे को काट रही हैं, घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुल रहे हैं। एकमात्र नगर लोथल है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं, तो वो क्या हो गई? ग्रिड प्रणाली हो गई। और ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ एक नगर नहीं है जिसका नाम है बनवाली। बनवाली में सड़कें जो हैं आड़ी टेढ़ी तिरछी हैं, मुख्य सड़कें। अब मुख्य सड़कें ज्यादातर उत्तर से दक्षिण की ओर मिली हैं। क्या मिली हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। एक नगर ऐसा जिसमें राजपथ मिला है, 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क मिली, वो कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। राजपथ किसकी विशेषता हो गई है? मोहनजोदड़ो की विशेषता हो गई है। नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई हैं, और लकड़ी की नालियां कहाँ मिली हैं? लकड़ी की नालियां कालीबंगा में मिली हैं। लकड़ी की नालियां कहाँ मिली हैं? कालीबंगा में। प्रत्येक घर में रसोई और स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, और नगरों के लोग जो हैं वो अलग से क्या रखते हैं? रसोई रखते हैं और अलग से स्नानागार रखते हैं। अब पहले ग्राम गाँव में क्या होता था कि रसोई इंक्लूड होते थे, जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी होता ना, कई रूम लेके रहता है तो वो सारा एक ही रूम में सब कुछ सेट रखता है, ऐसे ही पहले गांव में लोग रहते थे। लेकिन नगरों में धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अलग अलग होने लग गई। वर्तमान में तो क्या है कि गांव और शहर इक्वल से हो गए। सबसे बड़ी ईंट मिली यहाँ पे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। अलंकृत ईंट कहाँ मिली? कालीबंगा में। अलंकृत ईंट कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। अब आपने पढ़ा कि पिगट महोदय ने ऐसा बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। पिगट के अनुसार, किसके अनुसार? पिगट के अनुसार है जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। दशरथ शर्मा कहते हैं कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी। कालीबंगा को क्या बताया गया है? हड़प्पा की तीसरी राजधानी। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती पूछिए आपसे तो किसका नाम आएगा? कालीबंगा का। समाज की बात करें तो समाज मातृसत्तात्मक है। माँ का स्थान, नारी का स्थान महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता में। जिस तरह से वर्तमान में पितृसत्तात्मक समाज है, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज है? मातृसत्तात्मक समाज है। भोजन की बात की जाए तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, क्योंकि मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते हैं। किस प्रकार के? ऊनी और सूती वस्त्र। आभूषण, आभूषण पहनने का शौक रखते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों। आभूषण कौन पहनते हैं? पुरुष भी पहनते हैं।
और महिला भी पहनती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। वर्तमान में पुरुष और महिलाएं बराबर पहनते हैं क्या आभूषण? नहीं पहनते। आभूषण ज़्यादा कौन पहनती हैं? महिलाएं पहनती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष भी उतने ही आभूषण पहनते हैं जितनी महिलाएं आभूषण पहनती हैं। मनोरंजन का साधन फेसबुक व्हाट्सअप तो था कोने, है ना? तो मनोरंजन के साधन के क्या हैं? एक तो इनका खेल है पीटू। कौन सा खेल है? पीटू खेल लो किधर हो? हाँ लुप्त हो गए, लास्ट प्रजाति आई है, आके बाद में कौन मिला है? और आके अलावा मनोरंजन का साधन है जानवरों की लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई और शिकार करना, मछली पकड़ना, ये इनके क्या हो गए? मनोरंजन के साधन हो गए। किन के? सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके बाद में आते हैं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल। पीपल इनका सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष क्या माना गया है? पीपल। और सबसे पवित्र पशु माना गया बैल। क्या माना गया? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु क्या है? बैल है। सबसे पवित्र पक्षी माना गया बतख। क्या? बतख जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। मृद बांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं लाल और काले, लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। इसके बाद में पढ़ा था आपने फारस की मोरे कहाँ से मिली? लोथल से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? लोथल से। बेलनाकार मोरे कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से बेलनाकार मोरे मिली हैं। मोरों पर अंकन मिला है एक सरंगी पशु, एक सरंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, वृक्ष आदि के चित्र इस पे मिले हैं। अब बात करें लिपि की। लिपि भाव चित्रात्मक है। लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक का मतलब होता है जो बात बतानी है, जो फीलिंग होती है, वो चित्रों के माध्यम से बताई गई है। अब इसके मूल चिन्ह, इसके मूल चिन्ह मिले हैं 64। मूल चिन्ह कितने मिले हैं? 64। ये दाएं से बाएं कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। जैसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे लिख के लाते हैं, फिर वापस लिख के जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मतलब पेन उठाना नहीं पड़ता इस लिपि में, समझ गए? तो इसको गोमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमूत्रिका। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे चलेगी। पढ़ने का पहली बार प्रयास किया था वेडेन ने। पढ़ने का प्रयास किसने किया? वेडेन ने। लेकिन इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई। तो ये हमारा टॉपिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता।